चुनाव से पहले एक तरफ प्रचार का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में दौसा में चुनाव प्रभारी के ने डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने उन नेताओं पर हमला किया जिन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। से पहले तमाम दल जीत की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे दौसा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक निजी होटल में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक ली। इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है, न कि समाज बांटकर। चुनाव हर किसी चुनाव को चुनौती मानने वाली हमारी पार्टी है और हम जनता को जाकर अपनी चीज़ों को बताने के आधार पर लोक शिक्षण प्रबोधन करके वोट बटोरते हैं। समाज को बांटकर वोट बटोरने वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारी नहीं है और इसलिए हम परिश्रम करते हैं और लोगों को हर समय जाकर मिलकर अपनी बात को बताते हैं। चुनावी मौसम है तो नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आम होती है। ऐसे में चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा की नामांकन रैली को लेकर राजेंद्र राठौर ने उन पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल कस्वा को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के बहाने भी कांग्रेस पर तंज कसा। पहली बार मैं देख रहा हूं कि उम्मीदवार खुद कहे कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सेनापति पहले से युद्ध में उतरने से पहले अपना हथियार डाल रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे राजसमंद हो, सब जगह यही हालत है। बड़े नेता जानबूझकर बचना चाहते हैं चुनाव से, इन सारी बातों को करेंगे। चुनाव से पहले एक दूसरे की खामियों को जनता के सामने लाने सियासी दलों की चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। बहरहाल अब जनता किसकी खामियों और किसकी हासियों पर गौर कर मतदान करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और जयपुर में आईपीएल का जुनून इस कदर है कि लोग आरसीबी के मैच के टिकट के लिए एसएमएस स्टेडियम के बाहर रात बिता रही हैं, लेकिन इसके लिए सस्ते से लेकर महंगे टिकट भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और स्टूडेंट के लिए सस्ते टिकट की बात भी बेमानी साबित हुई है। ऑफलाइन टिकटों के लिए सैकड़ों युवा बॉक्स ऑफिस के बाहर ही रजाई गद्दे लेकर के सोते हुए नजर आए हैं। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे आईपीएल मैचों के टिकटों के लिए रात 12 बजे से ही टिकट काउंटर के बाहर सोते हुए युवाओं की कतारें लगी रही, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ताकि काउंटर खुलने पर टिकट मिल सके। आईपीएल मैच के टिकट के लिए युवा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एसएमएस स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर है।